चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। माँ जी आप बता क्या है? माँ जी फ्रिज में जो सालन रखा था रात का वो कहाँ है? वो पता है वो खा गई होगी। वो कौन? वो जो अक्सर किचन में आके चुपके से दूध भी पी जाती है ना, वो किचन में छुपकर तो सिर्फ आप दूध पीती है माँ जी। आए तो बिल्ला वजह मुझ पे शक कर रही। हाँ बिल्ला बिल्ला बिल्ली बिल्ली आके खा गई होगी ना। बिल्ली फ्रिज का दरवाजा कैसे खोल सकती है माँ जी? हाय ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तेरे कहने का मतलब ये है कि वो सालन मैंने खाया है? मैंने तो रात से कुछ नहीं खाया। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया और इतनी बड़ी डकार ले रही है? शर्म आनी चाहिए वैसे माँ जी, एक तो चोरी कर रही है और ऊपर से झूठ बोल रही है। अपने घर में कोई चोरी नहीं होती है। माँ जी मैंने बच्चों के लिए सालन बचा के रखा था कि वो नाश्ते में खाएंगे, अब चांदी को क्या दूंगी? उसको उसे आसरा दे पुत्र। हद होती है वैसे माँ जी खुद गर्जी की, ऐसे हालात में लोग अपना पेट काट के बच्चों को खिलाते हैं। चुप तूने क्या बच्चों को आदमखोर बनाने? माँ जी आपका बस चल रहा है तो हम सबको भूखा मार दे, हद होती है नियत खराबी की। क्या हुआ मोमो? देख ले आपके होते हुए ना मेरे साथ इस घर में कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे किसने किया तुम्हारी बेइज्जती? नाम बताओ मुझे उसका। नौशीन। नौशीन? हाँ उसने बड़ा जलील किया। क्या क्या नहीं कहा उस अमरीन ने मुझे। खूबसूरत? नहीं खूबसूरत नहीं कहा बस। अरे खूबसूरत नाम है उसका, उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की? देखे ना मुझे आधी रात को भूख लग गई थी तो मैंने फ्रिज में से सारा सालन निकाल के खा लिया। क्या इतनी सी बात पे उसने मुझे बड़ी बातें सुनाई? सलमान तुमने रात का सालन खा लिया? हाँ सारा। हाँ जी। अरे जालिम औरत, मैंने सोचा था कि सुबह नाश्ते में पराठे के साथ वो सालन खाऊंगा। मुझे भूख लग रही थी मैंने इसलिए खा लिया। अरे तुम्हारी भूख खत्म क्यों नहीं होती जालिम औरत? पहले तुम अपना मियाँ खा गई, फिर हमारा अच्छा वक्त खा गई, अब हमें खा ले पेटू औरत। आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे? मेरे पुराने मियाँ ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। अरे इसीलिए मर गया वो बेचारा भरी जवानी में। हा? तुम जैसी औरत के साथ ज्यादा दिन कोई जिंदा रह भी नहीं सकता। मेरी भी तबीयत खराब होने लग गई है। आप क्या कह रहे हैं मंजूर? मामो इससे पहले कि मैं गुस्से से पागल हो जाऊं, चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। चली जाओ। आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, इतना जलील तो कभी आपकी माँ ने मुझे नहीं किया था। कितने प्यार से आप मुझसे बात करते थे। आप अपनी माँ से चुप चुप के मुझे पिज्जे खुआते थे और इस आदमी ने कितने दिनों से मुझे पेट भर के खाना नहीं दिया। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, पेट भर के खाना नहीं खाया मैंने। देखा मैं आपको कितना याद कर रही हूँ। बस मुझे नहीं रहना, मैंने कह दिया मुझे नहीं रहना इन लोगों के बीच में, मुझे अभी अभी आपके साथ जाना है। आए कहीं से आए बस मुझे नहीं जाना। हाँ जल्दी से हो पर आए जाए। अरे क्या हुआ महमूद साहब, मेरा बुलबुल उदास क्यों है? जोड़ो यार नबील, मेरा मूड पहले ही बहुत बुरा है। महमूद साहब उसे मूड नहीं मुंह कहते हैं। मजाक मत करो यार। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया यार, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया यार। अब क्या कर दिया माँ जी ने? यार हम लोग अपना पेट मार मार कर खाना बचा कर रखते हैं कि ताकि अगले वक्त में खा सके, और तुम्हारी माँ आधी रात को उठ के सारा खाना चट कर जाती है। माँ जी ने फिर रात का सालन चट कर दिया? और उसकी वजह से मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया यार। बस इतनी सी बात? अरे ये इतनी सी बात है, अब क्या मैं भूखा रहूंगा? अरे महमूद साहब मेरे होते हुए आप भूखे कैसे रह सकते हैं? आए मैं आपको अच्छा सा नाश्ता करवाता हूँ। जब तुम मुझे करवाओगे वो अच्छा सा नाश्ता होगा। हाँ जी। कैसे करवाओगे? अरे महमूद साहब हमारे मोहल्ले में नया चाय का होटल खुला है, मैं उससे नाश्ता करके आया हूँ, पराठा और चाय का।
हमें जानता भी नहीं है। चले वहीं से आपको मैं नाश्ता करवाता हूँ। आ जाए चाय पराठा। हाँ जी। अरे जल्दी करो नबील, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। एक काम करें, पानी पहले सेन में छिड़क ले फिर चलते हैं। ये बातें मत बनाओ। आए आए आए। अरे यार नबील, बड़े दिनों के बाद पेट भर के नाश्ता किया है। अरे यार मामा साहब हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही अय्याशी करेंगे। यार नबील, वैसे कितने दिन तक हम इसका उधार नाश्ता करते रहेंगे? मैमू साहब मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। और उसके बाद? मैमू साहब उसके बाद वो हमसे मांगेगा पैसे, और हराम है उसके बाद हमने उसे अपनी शक्ल दिखाएगी। और नहीं तो क्या मैमू साहब? यार नबील, अब हम क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजारा करेंगे? लोगों से उधार मांग मांग कर खाएंगे? नहीं मैमू साहब, एक ना एक दिन हमारा वक्त भी आएगा। वो जो एक ना एक दिन आएगा वो हमारा वक्त होगा। लेकिन ऐसे नहीं आएगा मैं मूसा। होगा होगा। आइए बाल खुलवा लो, किस्मत के बारे में पता करवा लो, अपनी बंद तकदीर के ताले खुलवा लो। जो कल होना है वो आज मालूम करवा लो। अरे नबील, ये कौन है? ओ महमूद साहब, कोई घटिया सा शायर लग रहा है, तुकबंदी कर रहा है। अरे आओ ना नबील, फाल निकलवाते हैं। ओ खुदा का नाम माने, अगर इस तोते ने नौकरी की फाल निकाल दी तो क्या आप नौकरी करेंगे? अरे चेक करने में क्या हर्ज है। आओ आओ, आओ निकलवाते हैं। आ भाई फाल वाले। अरे आओ भाई, बोतल पियोगे? ओ भाई, तू हमें टन करके लूटना चाहता है? अरे नहीं नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने का कह रहा हूँ ना, गर्मी बहुत है। ओ भाई तू छोड़ बोतल को, तू फाल निकाल। हाँ कोई अच्छा सा लिफाफा निकाल ना हम दोनों के लिए। 200 रुपए होंगे लिफाफे में? अरे नहीं नहीं, फाल निकालने के। ओए पगले, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम फाल निकलवाते। एक काम कर, तू उधार कर ले, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं, आते जाते दे देंगे तुझे। अगर नहीं भी दिए तो कोई मसला नहीं, बुलबुले में तेरी मार्केटिंग कर देंगे। अब तो खुश है ना? ठीक है चल, मेरे तोते भाई की फाल निकाल। ये तोता फाल निकालेगा? हाँ, नाम क्या है? ओ भाई, हमें तेरे तोते का नाम कैसे पता होगा? अरे भाई आप लोग अपना नाम बताइए। मेरा नाम महमूद है। और मेरा नाम नबील है, बुलबुले वाला, और ये खोए वाले मलाई वाले। चल मेरे मियां मिठू, नबील भाई और महमूद भाई की फाल तो निकाल। ओए तोते, धन की फाल निकालना, वरना तेरे पर मोहल्ले की बिल्लियां छोड़ दूंगा। अरे भाई इसे डराए मत, ये गलत फाल निकाल देगा। अरे चुप करो यार नबील, मिठू को कंफ्यूज मत करो। चल मिठू हो जा तैयार, दिखा दे अपना चमत्कार। चल भाई तोते, अब नबील भाई की फाइल निकाल। अरे वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। क्यों, हमारी स्त्री निकल आई है इसमें? अरे आप दोनों की फाइल में एक ही बात लिखी है। अच्छा क्या लिखा है? अरे इसमें लिखा है, एक मरा हुआ आदमी तुम दोनों की किस्मत बदल सकता है। ओ कैसी बातें कर रहा है चिमकू, मरा हुआ आदमी तो अपने किसी काम का नहीं होता, हमारी मदद कैसे करेगा? ये मुझे नहीं पता, फाल में यही लिखा है, और मेरे मिठू की निकाली हुई फाल गलत नहीं हो सकती। यार नबील, ये कौन मरा हुआ आदमी है जो हमारी किस्मत बदल सकता है? यार महमूद साहब, कहीं आप तो नहीं मरने वाले? अरे मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी किस्मत कैसे बदलेगी? महमूद साहब, हो सकता है जब हम आपको दफनाएं तो आपकी कब्र के नीचे खजाना हो। वो जो मेरी कब्र के नीचे से निकलेगा वो खजाना होगा। हो सकता है। अच्छा जी। हाँ जी। देखो मेरे तोते की निकाली हुई फाल का मजाक मत उड़ाओ, तुम लोग देख लेना वो मरा हुआ आदमी होगा जो तुम्हारी जिंदगी की तकदीर बदल देगा। अरे तो क्या उस मरे हुए आदमी को हम ढूंढने कब्रिस्तान जाएंगे? अरे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चल के आएगा। मोमो मोमो डार्लिंग, मोमो डार्लिंग, उठो देखो कॉल आया तुमसे मिलने। आप आ गए, आप ख्वाब में मिलने आ गए मुझसे। मैं ख्वाब में नहीं आया, हकीकत में आया हूँ। यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं। तो मुझे याद कर रही थी ना, इसलिए मैं आ गया। तो मैं तो पता है ना, मैं बगैर बुलाए नहीं आता। नहीं थी मेरी जान। आपको नहीं पता इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? अरे क्यों नहीं पता, मुझे सब पता है, सारी एपिसोड्स देखता हूँ मैं। अब तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। विश मशीन। यार महमूद साहब, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा,
कि वो आदमी कौन है जो मरने के बाद हमें फायदा पहुंचाएगा। नबील क्या हुआ महमूद साहब? अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि खूबसूरत के पापा मर गए हो और मरने से पहले सारी जायदाद उन्होंने तुम्हारे नाम में लिख दी हो? अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तू क्या, इस दुनिया में सिर्फ वही है जिनके मरने से हमें फायदा हो सकता है? अरे बिल्कुल ठीक कह रहे महमूद साहब। चले ये खुशखबरी खूबसूरत को देते हैं। खूबसूरत खूबसूरत क्या है नबील, क्यों चला रहे हो? खूबसूरत तो अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो। क्यों, क्या हुआ? जानू मुझे लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। तो मैं अपने रिश्तेदारों को क्यों फोन करूं नबील? जानू हो सकता है उनके पास खबर आ गई हो। किस चीज की खबर? जानू पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पापा जी जो है ना वो सारी जायदाद मेरे नाम करके मर गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नबील? पापा हनीमून पे गए। क्यों जानू, हनीमून पे क्या मौत नहीं आती? तुम्हारे पापा जहाँ गए वहाँ लोग नहीं मरते क्यों मैं मूसा? हाँ हाँ, मौत तो कहीं भी आ सकती है। जब भी मैं कहूँ जानू कि पापा जी की कॉल क्यों नहीं आ रही, उनकी मौत की खबर ही आएगी। शाहजाब नबील, हद होती है घटियापन की, तुमने ऐसा सोचा भी कब? अरे हमें उस तोते ने बताया है कि किसी मरे हुए आदमी से हमें फायदा होगा। हाँ, और ये मरा हुआ आदमी तुम्हारे पापा हो सकते हैं। उनके बाद अगर किसी की उम्र है तो वो महमूद साहब की है। इनके मरने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग पहले क्या कम हड हराम थे जो अब इन फाल निकालने वालों के चक्रों में पड़ गए? खूबसूरत शराब ने भी यार, अगर खूबसूरत के पापा भी जिंदा है तो फिर वो मरा हुआ शख्स कौन हो सकता है? कैसे आ गए? अरे इस साले को मरने के बाद भी चैन नहीं है, अभी बताता हूँ उसे। महमूद साहब क्या कर रहे हैं? अरे ये क्यों आया यहाँ पे? महमूद साहब भूल गए क्या, मरा हुआ आदमी हमारी किस्मत बदलेगा। क्या? हाँ जी हैं वो जो हमारी किस्मत बदलेंगे। अरे हाँ भाई जान। अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी। अरे अब्बा जी। अरे मामा। अब्बा जी आपको पता नहीं है हमें आपका कितना इंतजार था। तू मेरा इंतजार क्यों कर रहा था? इसीलिए कि हमें पता था कि आप हमारी किस्मत बदलने आने वाले हैं। अबे चल बे चल, मैं अपनी किस्मत बदलने आया हूँ उधर। मैं तो मोमो को साथ लेके जाऊंगा। क्या? हाँ पहले भी मैं इसी चक्कर में आया था, लेकिन उस वक्त मोमो डार्लिंग रेडी नहीं थी, लेकिन आज तो इसने खुद मुझे बुलाया है। मोमो तुम इस आदमी के साथ जाओगी? हाँ जी हाँ जी। हाँ भाई सुन लिया, चलो मोमो चलने की तैयारी करो। मैं जरा नहा के तैयार हो जाऊँ। अरे रहने दो, मरने के बाद तो गुसल दिलवाना ही है। मरने के बाद? अरे हाँ ना, तुम्हें मार कर ही तो ले जा सकता हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ले जाऊंगा। अरे डरो मत, मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें मरना तो पड़ेगा, जिंदा कैसे लेके जाऊंगा। चलो मोमो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। अरे मोमो पगली कहाँ भाग रही है, बड़े प्यार से मारूंगा, रुको। भाई यार ये मोमो समझ क्यों नहीं रही? ओ अब्बा जी हमें तो तोते वाले ने बताया था कि आप हमारी किस्मत बदल लेंगे। अबे वही तो कर रहा हूँ यार। अरे क्या खाक कर रहे हैं आप तो मेरी बीवी को साथ ले जाने का प्लान कर रहे हैं। ये तो वो मेरी भी तो बीवी है, तुम लोग खुद सोचो, तुम लोगों के हालात भी तो बुरे चल रहे हैं, ऊपर से मोमो बच्चों के हिस्सों का खाना भी तो खा देती है। हाँ ये तो है। मैं तो तुम लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ, मोमो को साथ ले जाऊंगा तो एक आदमी कम हो जाएगा ना। आदमी नहीं औरत। वही ना, तुम लोगों का खर्चा कम होगा। कैसा? नहीं मैं नहीं, मैं मोमो को कहीं नहीं जाने दूंगा। भाई तुझसे कौन पूछ रहा है? बेटा नबील मेरे साथ आ, चल। आजा आजा आजा। एक बेटा नबील, इस साला महमूद कभी मानेगा ही नहीं, लेकिन इसमें तेरा ही फायदा है बेटा। वो कैसे बची? देख मैं मोमो को अपने साथ ले जाऊंगा, महमूद अकेला रह जाएगा। वैसे भी तो तू अपनी माँ की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा था ना। मैं हाँ ना, वरना तेरा क्या रिश्ता उस आदमी के साथ। हाँ बजी बात तो आप ठीक कर रहे हैं। बस फिर मैं मोमो को ले जाता हूँ, तू महमूद को घर से निकाल देना, या फिर उससे नौकरी करवा के उसकी कमाई पर अय्याशी करना, जैसे तू पहले एपिसोड्स में नहीं करता था। है याद आया? अरे अब्बा जी आइडिया तो बेहतरीन दे दिया आपने। तो बस फिर जाकर बोलते उसको। ओके बाजी। लेकिन खूबसूरत फाइल में तो लिखा था कि मरा हुआ आदमी हमें फायदा पहुंचाएगा। महमूद साहब आपको होना हो, हमें तो माजी के जाने से बहुत फायदा होगा। क्या तुम भी? जी मैं भी। यार महमूद साहब, मैंने और अब्बा जी ने बड़ी लंबी डिस्कशन की है और हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं कि अब्बा जी को अम्मा जी को लेके जाने की इजाजत दी जाए। क्या? हाँ। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम अपनी माँ को इस आदमी के साथ कैसे जाने दे सकते हो? अबे ओ, मैं उसका शौहर हूँ, जा चाहूँ उसे ले जा सकता हूँ। ये तुम्हारी माँ को मार कर उसे अपने साथ लेकर जाएगा नबील। अरे महमूद साहब आप फिक्र नहीं करें, आपसे ज्यादा प्यार करते हैं अब्बा जी माँ जी को, बड़े प्यार से मारेंगे। क्यों अब्बा जी? हाँ हाँ हटाओ, मैं अपनी मोमो को किसी भी कीमत पर नहीं मरने दूंगा। चल फिर ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। क्या? पहले तुझे मार देता हूँ। अरे आप उसके शौहर थे, वो आपकी बीवी थी, आप दोनों मियाँ बीवी के मामले में मैं कौन होता हूँ बोला टांग गड़ाने वाला। जाओ भी नबील, इनको मोमो के पास ले जाओ। शाबाश भाई।
माँ जी दरवाजा खोले यार, बात तो सुने प्लीज। माँ जी, ओए माँ जी, आपकी शक्ल अब्बा जी से कितनी मिलने लगी है। अब्बा जी हूँ मैं तेरा, आ जा अंदर। ओ अब्बा जी, आप अंदर कैसे आए? भाई क्या फजूल सवाल कर रहा है बेवकूफ। मरने के बाद जब मैं 5 मरतबा बुलबुले में आ गया उस वक्त तो ख्याल नहीं आया, अब मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से खोल लिया तो पूछ रहे कहाँ से आ गया। चल अंदर आ जा। अब्बा जी, अब्बा जी। ओ माँ जी डरे मत। पुत्र मैं मरना नहीं चाहती। अरे अब्बा जी ऐसे थोड़ा मारेंगे आपको, इतना प्यार करते हैं आपसे। क्यों अब्बा जी? हाँ मोमो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इतने प्यार से मारूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आराम से तुम्हारा सर दीवार पे मारूंगा और तुम खत्म। मैंने मुझे ऐसे नहीं मरना। चलो छत से नीचे धक्का दे दूंगा। नहीं। चलो चाकू से मारूंगा, तेज धार वाले, ऐसे मारूंगा अंतड़ियां सारी बार, आराम से मर जाओगी। नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। चलो फिर तुम बताओ कैसे मरना चाहती हो? मैं तुमको वैसे मार दूंगा। अरे वाह माँ जी वाह, इसे कहते हैं मोहब्बत। अब तो आपको वैसे ही मर जाना चाहिए। क्या कर रहा है? नहीं ऐसे रोक रहा था माजी को। मोमो तुम्हारे घर की सारी छुरियां जंगाल उधर, बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी धार तेज की है ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। आ जाओ शाबाश। अरे अरे मोमो देखो ये फंदा मैं तुम्हारे गले में अपने हाथों से डालूंगा और बड़े प्यार से रस्सी खींचूंगा, सिर्फ एक झटका लगेगा और तुम निगल लोगी। आ जाओ शाबाश। अरे मोमो मुझे बचा ले, वो मुझे मारना चाहते हैं। अरे जाओ अब उसके साथ, बड़ा शौक था ना तुम्हें उसके साथ जाने का। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे आपसे बहुत वो है लतीफ। महमूद? हाँ मैं सिर्फ आपसे महमूद करती हूँ लतीफ। माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? पुत्र तेरे सुतेले भाई का सगा बाप तेरी सगी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है। माँ जी मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। माँ जी मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। माँ जी वैसे आप जैसी भी हैं हमें तो बहुत अजीज हैं, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। भाई जब कोई भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता तो फिर मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मोमो खुश अबशेर। इस सिटकॉम में क्या इमोशनल सीन चल रहा है? अबे ओ जमील शकील, अबे तू कोई भी हो कान खोल कर सुन ले, मेरी मोमो कहीं नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी, मैं नबील से डील कर चुका हूँ, मोमो मेरे साथ जाएगी। रुक जाए अब्बा जी की बदरू, अपनी फैमिली का इमोशनल सीन देख के मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? ओए अब्बा हम में से कोई भी माँ जी के बगैर नहीं रह सकता, माँ जी बुलबुले की जान है जान, और आप जान निकालना चाह रहे हो? तो फिर ठीक है मैं तुम सब लोगों को मोमो के साथ लेके जाऊंगा। शाबाश, अब ये बताओ मेरे हाथों सबसे पहले कौन मरेगा? माँ जी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं।